हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेट अब्रॉड। आज की वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अनफॉर्चुनेटली फेब एंड मार्च इनटेक में रिफ्यूज हो चुका है, एंड उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जिनकी जीटीई नहीं क्लियर हो पाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा रिफ्यूज हुआ है, या आपकी ऑफर लेटर नहीं आ रही, या आपके जीटीई असेसमेंट नहीं क्लियर हो पा रही, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जिन स्टूडेंट्स के आईएलटीएस में ओवरऑल 6 है विद नो लेस देन 5.5, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 2014 या इवन 15 में की है, अगर आपने अपनी प्लस टू 2019 में भी की है, अगर आपके अगेन ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5 है, स्टूडेंट्स यूके इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया कनाडा से मल्टीपल टाइम भी रिफ्यूजल है, सो यूके इज गोइंग टू गिव यू वीजास। रिसेंटली बात करें यूके वीआई की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उन्होंने कहा है कि दे गोना गिव वीजास, दे नीड स्टूडेंट्स, उनकी यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स की जरूरत है, स्पेशली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं। सो जिन स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा रिफ्यूज्ड है, उनके पास कोई कंट्री की ऑप्शन नहीं है, सो एक्सेल सेट अब्रॉड एडवाइस देम टू अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीजा इन गुड यूनिवर्सिटीज एज सून एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंडिया में प्लस टू की है एंड यूके जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अगर आपने अपनी प्लस टू सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से कंप्लीट की है, सो यूके यूनिवर्सिटीज विल गिव यू वेवर ऑन आईएलटीएस। मैं क्लियरली बताऊं, जिन्होंने प्लस टू सीबीएसई या आईसीएसई से की है, उनको आईएलटीएस देने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने यूके जाना है। अगेन ऐसे ही अगर पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड से की है आपने, सो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी 5.5 विद नो लेस देन 5.5 इफ यू वॉन्ट टू गेट एडमिशन यूके यूनिवर्सिटीज। यूके यूनिवर्सिटीज का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 97% का चल रहा है। सो जॉन से स्टूडेंट्स अगेन ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हैं, रिसेंटली प्लस टू की है, या आपकी प्लस टू 2019 या 18 में है, सो आई विल हाईली रिकमेंड टू अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीजा फॉर सेप्टेम्बर इंटेक। अब बात करें उन स्टूडेंट्स की जो यूके जाके मास्टर्स करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूके में मास्टर्स सिर्फ 1 साल की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया में 2014, 15 या इवन 16 में की है, यूके यूनिवर्सिटीज तब भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। एंड मास्टर्स का अगर मैं वीजा सक्सेस बताऊं यूके का, दैट इज 100%। अगर आप किसी भी यूके की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स के लिए एनरोल हो जाते हैं इन गुड यूनिवर्सिटी, तो आपका वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है। बात करें मास्टर्स में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्लस टू पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड से की है, तो आपको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, दैट इज ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5। अगर आपने अपनी प्लस टू सीबीएसई या आईसीएसई से कंप्लीट की है, तो आपको अपने मास्टर्स कोर्स के लिए भी आईएलटीएस का वेवर मिल जाएगा। अगर आपके सीबीएसई या आईसीआईसी में इंग्लिश में 70% से ज्यादा है, इंग्लिश में अगर आपके 70% से ज्यादा है, तो आप यूके की यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है विदाउट आईएलटीएस अप्लाई करने के लिए। अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो यूके में अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ यूके में तभी अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं अगर आप मास्टर्स कोर्स के लिए एनरोल्ड हैं। बात करें अगर यूके स्टडी वीजा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की, यूके स्टडी वीजा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट काफी सिंपल है। जॉन से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके अकाउंट में, आपके पर्सनल सेविंग्स में, आपके फादर की पर्सनल सेविंग्स में या आपकी मदर की पर्सनल सेविंग्स में अराउंड 25 to 26 lakhs होना चाहिए, और ये फंड कम से कम 28 डेज ओल्ड होने चाहिए एंड आपकी स्टेटमेंट 30 डेज से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। सो अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू कर देगी। जब भी आपको कैश लेटर इशू हो जाएगा, यू कुड अप्लाई फॉर योर यूके स्टडी वीजा। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो यूके के स्टडी वीजा विद इन 20 to 25 डेज में रिसीव हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो मास्टर्स कोर्स में यूके जाके स्टडी करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी अराउंड 20 to 22 lakhs। अगेन आपके ये फंड्स 28 दिन पुराने होने चाहिए। जैसे ही आपके ये फंड्स 28 दिन पुराने हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपको कास्ट लेटर इश्यू कर देगी
Once your caste letter is issued, you can apply for your UK study visa. अब बात करें उन students की जो UK अपने spouse को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं. First of all, UK में आप अपने spouse को साथ सिर्फ master's course के लिए लेके जा सकते हैं. Again, आपकी university जो आपको caste letter issue करेगी, उस पे आपका RQF level 7 होना चाहिए. बात करें financial requirement क्या रहती है spouse की. जैसे एक मास्टर्स कोर्स वाले स्टूडेंट को 22 लाख शो करना पड़ता है, अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आपको 9 लाख एक्स्ट्रा शो करना पड़ता है, दैट इज अराउंड 32 लाख. अगर आप यूके अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में 28 दिन पुराना 32 लाख रुपया होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू ऑब्टेन यूके स्टडी वीजा अलॉन्ग विद योर स्पाउस. यूके स्टडी वीजा में स्पाउस की क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, चाहे आपके स्पाउस ने 10th की हुई है, चाहे आपके स्पाउस ने इवन 12th की हुई है, चाहे आपका स्पाउस ग्रेजुएट है, यूके एम्बेसी डजंट लुक एट योर स्पाउस क्वालिफिकेशन. यूके एम्बेसी एंड यूके यूनिवर्सिटीज एक महीने पुरानी मैरिज भी एक्सेप्ट कर लेती है. आपके पास बस अपना मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए. अगर आप ये दोनों फैक्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं सो यूके विल गिव वीजा ऑन रीसेंट मैरिज ऑल्सो. यूके एक ऐसी कंट्री है जो मेन स्पाउस एंड एप्लीकेंट जो है उसके बीच का एज गैप भी नहीं देख रही. सो जॉन से एप्लीकेंट्स अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं, सेप्टेम्बर इनटेक इज द राइट ऑप्शन फॉर यू. यूके में सेप्टेम्बर इनटेक ओपन है, यूनिवर्सिटीज एडमिशंस ले रही हैं फॉर सेप्टेम्बर इनटेक. अगर आप विथ स्पाउस अप्लाई करना चाहते हैं, इवन आप प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं, सो यूके यूनिवर्सिटीज इज गिविंग एडमिशन एंड यूके एम्बेसी वीजा देना चाहती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा से मल्टीपल टाइम रिफ्यूज है, विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं, गैप बहुत ज्यादा है, सो यूके स्टडी वीजा इज द राइट ऑप्शन फॉर यू.